है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल स्किन इफेक्ट क्या होता है, ये डीसी के अंदर होता है कि नहीं होता है, कौन कौन से फैक्टर है जो स्किन इफेक्ट के ऊपर प्रभाव डालते हैं, इफेक्ट को कैसे कम किया जा सकता है। तो आइए आपको मैं बताने जा रहा हूं कि इलेक्ट्रिकल स्किन इफेक्ट क्या होता है। अगर कोई कंडक्टर है, सपोज किया है, हमने मान लिया कि कोई चालक है, इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, अगर वह करंट मैक्सिमम आउटर सरफेस से फ्लो हो रहा है और बीच का जो सेंटर पॉइंट है वहां से बहुत ही कम अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है, उसको हम लोग स्किन इफेक्ट बोलते हैं। स्टूडेंट, एक बार बार माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो बीच के जो सरफेस है, इट मीन्स जो सेंटर पॉइंट है, वहां से बहुत ही कम अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है और जो आउटर सरफेस है वहां उस सरफेस से बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। कंसीडर कर लिया, हमने मान लिया, मैंने समझाने के लिए एक एग्जांपल के तौर पे हमने आपको एक मान लिया है कि हमने एक सॉलिड कंडक्टर लिया है, जो कि आप लोग जानते हैं कि सॉलिड कंडक्टर जो होता है वो बहुत सारे नंबर ऑफ लेयर से मिलकर बना होता है। तो सपोज कर लिया कि हमने एक सॉलिड कंडक्टर ले लिया है, हमने क्या किया है, एक सॉलिड कंडक्टर ले लिया है जो बहुत सारे नंबर ऑफ लेयर से मिलकर बना होता है। अब हमने डॉटेड लाइन से इसको इंडिकेट किया, हमने डॉटेड लाइन से इंडिकेट करने की कोशिश किया कि इसकी कंडक्टर की क्या है, ये बहुत सारे लेयर है, बहुत सारे लेयर, बहुत सारे, और ये सेंटर पॉइंट है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके आजू बाजू यानी जो आसपास का एरिया है उसके चारों तरफ क्या होता है, कंडक्टर के चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्रिएट होता है। चलिए, तो ये जो सेंटर का पॉइंट है हमने मान लिया, इसमें हमने कंडक्टर का जो ये जो लेयर है इसमें से करंट फ्लो किया है, हमने क्या किया, इसमें करंट फ्लो किया। तो जो बीच का जो सेंटर पॉइंट है यानी जो बीच का जो सेंटर सरफेस है वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। जब हमने करंट दिया इसके इसके लेयर में करंट दिया, करंट देने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये जो सेंटर का पॉइंट होगा उसको क्या करेगा, फ्लक्स को कट करेगा। जैसे जैसे हम लेयर बढ़ेंगे, मान लिया कि इस लेयर में करंट फ्लो हुआ, इस लेयर में जो करंट फ्लो होगा, जो फ्लक्स होगा, इस फ्लक्स को सेंटर पॉइंट क्या करेगा, कट करेगा। वैसे ही इस लेयर में करंट फ्लो होगी, इसको क्या करेगा, इसको इस फ्लक्स को क्या करेगा, सेंटर पॉइंट कट करेगा। वैसे ही क्या होगा, इस पॉइंट में करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। जो सेंटर पॉइंट है वो क्या होगा, सेंटर पॉइंट उस फ्लक्स को क्या करेगा, कट करेगा। वैसे ही फ्लक्स को कट करेगा। स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे जैसे लेयर बढ़ रहा है उसकी फ्लक्स को कट कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। आइए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं एसी सोर्स की, किसकी बात कर रहे हैं, एसी सोर्स की बात कर रहे हैं। एसी सोर्स में हम जानते हैं, हमें पता है कि ये क्या हो गया, ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये सेंटर पॉइंट मान लिया हमने, और ये हमने क्या मान लिया, ये आउटर सरफेस मान लिया, यानी स्किन आउटर सरफेस मान लिया, आउटर सरफेस मान लिया। स्टूडेंट, जो सेंटर का पॉइंट है हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, एल, एल क्या है, इंडक्टेंस है। एल इक्वल टू होता है साई अपॉन आई। स्टूडेंट, यहां साई क्या है, साई यहां फ्लक्स लिंकेज है, यानी हम अभी बात कर रहे हैं कि सेंटर पॉइंट पे क्या होता है, मोर फ्लक्स लिंकेज होता है। सेंटर पे क्या हो रहा है, मोर फ्लक्स लिंकेज हो रहा है, क्या हो रहा है, फ्लक्स लिंकेज हो रहा है। सेंटर पे क्या हो रहा है, मोर फ्लक्स लिंकेज हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, इंडक्टेंस है, और ये साई क्या है, साई हमारा यही है, फ्लक्स लिंकेज है। तो हम जैसा कि जानते हैं, यहां फार्मूला से डिनोट हो रहा होगा
कि जब हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब हमारा इंडक्टेंस ज्यादा होता है तो हमारा करंट क्या होता है, कम होता है, जैसा कि इसमें दिया है। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि इंडक्टेंस क्या होता है। इंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है, इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जो हमेशा क्या होता है, चेंजिंग करंट, जैसे करंट की जो वैल्यू चेंज होती है उसका क्या करता हो, अपोज करता है। अल्टरनेटिंग में क्या होता है, हमारा एसी सोर्स में क्या होता है, जो इंडक्टेंस होता है हमारा करंट की वैल्यू जब चेंज होती है उसको अपोज करता है। अब हम बात करते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस की। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ एल होता है। इसकी बढ़ने के कारण से क्या होगा स्टूडेंट, इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ने के कारण से क्या होगा, हमारा इंडक्टिव, वैसे ही हम इंपेडेंस की बात कर रहे हैं, इंपेडेंस की बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, जे एक्सएल होगा। अब यहां पे क्या होगा, आउटर सरफेस पे क्या होगा स्टूडेंट, आउटर सरफेस पे हमारा हमेशा क्या होगा, आउटर सरफेस पे हमारा इंडक्टेंस क्या होगा, कम होगा। हमारा एक्सएल क्या होगा, कम होगा। हमारा इंपेडेंस क्या होगा, कम होगा। हमारा क्या होगा, कम होगा। लेकिन करंट क्या होगा स्टूडेंट्स, करंट हमेशा आउटर सरफेस पे ज्यादा होगा। करंट क्या होगा, आउटर सरफेस पे हमेशा ज्यादा होगा। अब स्टूडेंट्स आपसे इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्किन इफेक्ट क्यों होता है, स्किन इफेक्ट क्यों होता है। तो स्टूडेंट स्किन इफेक्ट हमेशा नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स लिंकेज की वजह से होता है। मतलब नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारा नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स लिंकेज मतलब हमारा जो सेंटर पॉइंट है यानी जो सेंटर का सरफेस है उसमें ज्यादा फ्लक्स लिंकेज होता है और जो आउटर सरफेस होता है इसमें बहुत ही कम फ्लक्स होता है, इसी को हम नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स लिंकेज बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन को ये पूछ सकता है कि अगर कंडक्टर के अंदर डीसी फ्लो हो तो स्किन इफेक्ट होगा या ना होगा। दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अगर कंडक्टर के अंदर डीसी फ्लो हो तो स्किन इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। स्टूडेंट्स मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम डीसी की बात करेंगे तो हमारा जो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू 2 पाई एफ एल होता है। अब हम जैसा कि जानते हैं कि डीसी में क्या होता है, हमारा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बिल्कुल जीरो होती है, तो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हमारा जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा वो जीरो हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इंपीडेंस की। तो हम जब बात कर रहे हैं डीसी की तो डीसी में जो इंपीडेंस होता है एज अ रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। स्टूडेंट हमेशा इस चीज को नोट कर लो कि जो हमारा इंपीडेंस होता है वो डीसी में एज अ रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। तो हमारा क्या होगा कि डीसी में रेजिस्टेंस होगा, वो रेजिस्टेंस क्या होगा, यूनिफॉर्मली होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मतलब जो सेंटर पॉइंट पे रेजिस्टेंस होगा वही हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, आउटर सरफेस पे भी होगा। हमारा दोनों क्या होगा, दोनों जगह सेम रेजिस्टेंस होगा। इस वजह से क्या होगा, हमारा स्किन इफेक्ट डीसी में नहीं होगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, तीसरा क्वेश्चन ये है कि स्किन इफेक्ट किन किन कारकों पे इफेक्ट डाल सकता है। स्टूडेंट्स मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं इन स्किन इफेक्ट जो होता है, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसकी वोल्टेज रेगुलेशन पे इफेक्ट डालता है, उसकी जो वोल्टेज रेगुलेशन है उसको कम करता है, जो ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी होती है उसको भी कम करता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है फैक्टर अफेक्टिंग स्किन इफेक्ट। स्टूडेंट हम आपको बता रहे हैं कि जब हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो हमारा स्किन इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। डायामीटर जो हमारा कंडक्टर होता है, कंडक्टर का डायामीटर बढ़ने से क्या होता है, हमारा स्किन इफेक्ट बढ़ता है।
जो शेप ऑफ कंडक्टर होता है जब सर्कुलर होता है तो हमारा स्किन इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता है। जब किसी कंडक्टर का जो शेप होता है वो सर्कुलर बढ़ाओगे, उसकी जो शेप को बढ़ाओगे तो स्किन इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। अब नेचर ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल का नेचर होता है उस पे भी स्किन इफेक्ट डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट है टेम्परेचर, अगर किसी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा स्किन इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ टू रिड्यूस स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्ट को कैसे कम किया जा सकता है। स्किन इफेक्ट को हम SCAR होता है, एक कंडक्टर होता है जो बहुत ही अच्छा एक कंडक्टर होता है। अगर SCAR कंडक्टर को यूज करके हम स्किन इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। एक और है मेथड जो स्किन इफेक्ट को रिड्यूस किया जा सकता है, वो है हमारा थिकनेस ऑफ कंडक्टर, थिकनेस ऑफ कंडक्टर। थर्ड होता है हम हॉलो कंडक्टर होता है, जो हॉलो कंडक्टर होता है उसका भी यूज करके हम क्या कर सकते हैं, स्किन इफेक्ट को कम कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जो हॉलो कंडक्टर होता है वो कॉस्ट में बहुत ही हाई होता है, कॉस्ट में बहुत ही हाई होता है, इसलिए हम हॉलो जो कंडक्टर होता है उसका बहुत कम यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो एक बार सब्सक्राइब करने से ना भूले और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, जो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे।